सरकार के बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ स्लोगन काफी अच्छा है, लेकिन आजमगढ़ जिले में पुलिस की लापरवाही के कारण सरकार का यह स्लोगन फेल होता नजर आ रहा है। सौदों की छेड़खानी और धमकी से भयभीत एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। परिजनों ने जब थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने दबंग सौदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच न्याय की गुहार लगाए। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में सौदों की छेड़खानी और धमकी से भयभीत एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। परिजनों ने जब थाने में तहरीर दी तो पुलिस द्वारा दबंग सौदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब दबंग सौदे छात्रा के साथ पूरे परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर परिजनों संग पहुंची छात्रा गांव के एक इंटर कॉलेज में 11वीं में पढ़ती है। आरोप है कि एक सप्ताह पहले जब छात्रा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही थी तो गांव के दो सौदे विक्की और प्रिंस ने उसके साथ छेड़खानी की और फप्तियां कसी। छात्रा ने इसकी शिकायत विद्यालय के प्रबंधन से की, लेकिन सौदे अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो छात्रा ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो वे रौनापार थाने पर आरोपी सौदों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस सौदों पर कार्रवाई की बात तो छोड़िए, एक सप्ताह तक मुकदमा भी पंजीकृत नहीं किया। पुलिस में मामला जाने के बाद दबंग सौदों ने छात्रा के परिजनों को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिए। बावजूद इसके रौनापार थाने की पुलिस ने सौदों के आतंक से छात्रा को मुक्त नहीं करा सकी। थाने पर न्याय न मिलता देख परिजन ने SP कार्यालय पर पहुंचकर आरोपी दबंग सौदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ बदतमीजी लोग कर रहे थे, और जब हम लोग 100 नंबर पे फोन किए हैं तो मतलब लोग आए हैं दो स्कॉर्पियो से हम लोगों के घर और कह रहे थे अगर रोना पार जाओगे तो मार के हाथ गोड़ तोड़ देंगे। लोग रास्ते में रोज परेशान करेंगे। हाथ और पकड़िए थे लोग हमारा। लोग रास्ते में छेड़ रहे हैं इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, और रोज रोज परेशान कर रहे हैं, जाने स्कूल जा नहीं पा रहे हैं हम लोग। और पुलिस की तरफ से अगर हम लोग फोन कर रहे हैं तो लोग मतलब आश्वासन दे के बस चले जा रहे हैं। वहीं इस मामले में SP ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि कॉलेज के ही कुछ लड़के ऐसा कर रहे थे। इस मामले में मुकदमा थाने में दर्ज है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो क्लास 12वीं में पढ़ती इंटर कॉलेज में, वो पर डे साइकिल से अपने घर से अप डाउन करती है। कॉलेज के ही कुछ लड़के उसके संग प्लीजिंग लगातार कर रहे थे, और उसी के आधार पे थाना नापार में एक FIR 356A का लिखा गया था। और FIR दर्ज होने के बाद जो चार लड़के जो प्लीजिंग किए थे उनके परिजनों ने फर्जी आरोप लगा के एप्लीकेशन लेके पुलिस मुख्य कार्यालय पे आए थे। ऐसा नहीं होगा, और इसमें हम लोग बड़ी कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या इसमें नहीं है, न कोई ऐसा मामला प्रकाश में है, न कुछ ऐसा है। बस खाली चूंकि एक आरोप एक माहौल बना रहे हैं लोग,